हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे वीकली करंट अफेयर सितंबर का। क्योंकि हम हर सप्ताह में सैटरडे या संडे को देखते थे, लेकिन इस बार कुछ लेट हो गया, तो आज आपको देखने मिलेगा वीकली करंट अफेयर सितंबर का। तो आइए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहाँ दुनिया की पहली 100% एथेनॉल कार लॉन्च की है। तो नई दिल्ली में की है। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने आज पूरी तरह से इथेनॉल से चलने वाली टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस कार लॉन्च की है। इस कार को पूरी तरह से टोयोटा किर्लोस्कर मोटर द्वारा भारत में ही बनाया गया है। यह भारत की पहली इलेक्ट्रिफाइड फ्लेक्स फ्यूल कार का एक प्रोटोटाइप है। ये है जो कार, जो टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस कार, ये पूरी तरह से एथेनॉल कार है। वही एथेनॉल जो होता है वो गन्ने और अनाज से बनाया जाने वाला एक फ्यूल है। इसे E100 के नाम से भी जाना जाता है। मालूम हो कि पिछले साल नितिन गडकरी ने टोयोटा मिराई ईवी नाम से कार पेश की थी, जो हाइड्रोजन से बनी बिजली से चलती थी। जो कि ये वाली जो कार है वो प्योर एथेनॉल से चलेगी। अब हम जानते हैं कि ये फ्लेक्स फ्यूल क्या होता है। इस गाड़ी की जो फ्रंट है इस पर भी लिखा है फ्लेक्स फ्यूल। ये फ्लेक्स फ्यूल क्या होता है? फ्लेक्स फ्यूल एक तरह की टेक्नोलॉजी होती है। इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से वाहनों में 20% से ज़्यादा एथेनॉल के इस्तेमाल की सुविधा प्रदान करता है। वहीं फ्लेक्स फ्यूल गैसोलीन यानी कि पेट्रोल और मेथेनॉल या एथेनॉल के मिश्रण से बना एक वैकल्पिक ईंधन है। बता दें कि यह कोई नई तकनीक नहीं है। इस तकनीक की शुरुआत पहली बार सन 1990 के दशक में हुई थी। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि साल 2017 तक दुनिया की सड़कों पर लगभग 21 मिलियन फ्लेक्स फ्यूल वाहन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में मिस वर्ल्ड 2023 आयोजन की मेजबानी कौन करेगा? तो कश्मीर में, भारत के कश्मीर में मेजबानी होगी। इस बार भारत मिस वर्ल्ड 2023 का आयोजन करेगा। यह मौका भारत को पूरे 3 दशक के बाद मिल रहा है। इससे पहले भारत में मिस वर्ल्ड 1996 में आयोजित हुए थे। मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन की चेयरपर्सन और सीईओ मिस जूलिया, उन्होंने ये घोषणा की है। मिस जूलिया ने बताया है कि इस बार की जो 71वां ब्यूटी पेजेंट में 140 देशों के कंटेस्टेंट शामिल होंगे। ये जो संस्करण है या जो संस्करण है ये 71वां है मिस वर्ल्ड का, और इसमें कुल 140 देशों के कंटेस्टेंट शामिल होंगे। बता दें कि पहले मिस वर्ल्ड का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE में होने वाला था, जिसे अब भारत में शिफ्ट कर दिया है। भारत में 71वां मिस वर्ल्ड 2023 के आयोजन से देश के कल्चर को और बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, अब तक लगातार सबसे ज्यादा वनडे मुकाबलों में विरोधी टीम को ऑल आउट करने वाली टीम बनी है श्रीलंका। ये कीर्तिमान रिकॉर्ड श्रीलंका ने अभी हाल ही में हासिल किया है। एशिया कप का दूसरा मुकाबला श्रीलंका ने अपने नाम कर लिया। इस मुकाबले में श्रीलंका ने बांग्लादेश को हराकर टूर्नामेंट का पहला मैच जीत लिया। श्रीलंका की टीम ने बांग्लादेश को शानदार अंदाज में 5 विकेट से शिकस्त दी। 5 विकेट से शिकस्त दी। साथ ही श्रीलंका की टीम ने अपने नाम एक और रिकॉर्ड बना लिया। बता दें कि श्रीलंका ने लगातार 11 वनडे मुकाबलों में विरोधी टीम को ऑल आउट किया है, जो कि अभी तक सबसे ज्यादा है। कुछ हम इसकी हिस्ट्री पर नजर डालें तो इससे पहले ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका ने वनडे मुकाबलों में अपनी सामने वाली टीमों को लगातार ऑल आउट किया है। जो ऑस्ट्रेलिया और जो साउथ अफ्रीका की टीम है, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका, इन दोनों टीमों ने अभी तक 10 बार का रिकॉर्ड इन टीमों के नाम जिसे ऑस्ट्रेलिया ने हासिल किया था 2009-10 में, और साउथ अफ्रीका ने किया था 2013 से 14 के बीच में। वहीं पाकिस्तान की टीम ने अभी तक 1999 से 2000 के बीच में 9 मैचों में ऐसा किया था। लेकिन क्रिकेट के इतिहास में श्रीलंका ने पहली बार 11 वनडे मुकाबले जीते हैं। तो अभी तक ये इनका रिकॉर्ड था। अभी तक इनसे पहले ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के नाम था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री की याद में स्मारक सिक्का जारी किया है? तो क्या है? आंध्र प्रदेश।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महान अभिनेता और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय एन टी आर राव के सम्मान में एक स्मारक सिक्का जारी किया है। एन टी आर राव कौन है? ये महान अभिनेता है यानी एक्टर है और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जिनकी फोटो ये है। इनका जो पूरा नाम है, इनका पूरा नाम है नंदमुरी तारक रामा राव। इनका पूरा नाम नंदमुरी तारक रामा राव, जिसे शॉर्ट में NTR बोलते हैं, NTR राव। ये लिखा है नंदमुरी तारक रामा राव, ये NTR। NTR ने भारतीय महाकाव्य रामायण और महाभारत के प्रमुख पात्रों को अपनी मनमोहक प्रस्तुतियों के माध्यम से जीवंत किया। भगवान राम और भगवान कृष्ण जैसे पात्रों का प्रस्तुतिकरण NTR द्वारा इतना अद्वितीय था। इन्होंने सन 1983 से ये सन 1983 से 95 के बीच तक ये संयुक्त आंध्र प्रदेश में लगातार 3 बार मुख्यमंत्री रहे थे। कंटिन्यू ये 3 बार CM के रूप में उन्होंने अपनी भूमिका निभाई। विशेष रूप से उन्होंने इस पद पर कब्जा करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उद्घाटन गैर सदस्य होने का गौरव हासिल किया। इसकी बजाय उन्होंने तेलुगु देशम पार्टी यानी ये TDP पार्टी से संबंधित थे। TDP पार्टी का इन्होंने प्रतिनिधित्व भी किया और एक इकाई जिसे उन्होंने 1982 में स्थापित की थी। ये थे NTR राव, ये हैं द्रौपदी मुर्मू। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा इंटरनेशनल एमी अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला बनी है तो एकता कपूर, यानी हम सभी जानते हैं एकता कपूर को। इंटरनेशनल एकेडमी का स्पेशल एमी 20 नवंबर ये प्रदान किया जाएगा, 20 नवंबर 2023 को। अभी इसकी घोषणा ओनली हुई है। अवार्ड दिया जाएगा 20 नवंबर 2023 को न्यूयॉर्क शहर में। 51वां इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स ये गाला में आयोजित किया जाएगा, न्यूयॉर्क के गाला में एकता कपूर को प्रदान किया जाएगा। एमी अवार्ड जीतने वाली एकता कपूर पहली भारतीय फिल्म निर्माता बन गई हैं। वह टेलीविजन प्रोडक्शन पावर हाउस बालाजी टेलीफिक्स की सह संस्थापक है। सन 1994 में अपने माता पिता के साथ उन्होंने बालाजी की शुरुआत करने के बाद से एकता कपूर भारतीय टेलीविजन में एक प्रमुख हस्ती रही है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, इसरो सूर्य मिशन आदित्य L1 को कब लॉन्च करेगा? करेगा नहीं, इधर होना चाहिए किया, क्योंकि ये लॉन्च हो चुका है। तो इसरो ने सूर्य मिशन आदित्य L1 को कब लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया गया है 2 सितंबर को सुबह 11:50 पर ये लॉन्च किया गया है इसरो ने, यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान ने 2 सितंबर को देश का पहला सूर्य मिशन आदित्य L1 लॉन्च किया। और इस मिशन को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। आदित्य यान को PSLV C-51 रॉकेट के जरिए लॉन्च किया गया है। इसे PSLV C-51 से लॉन्च किया गया, ये रॉकेट का नाम है, ये रॉकेट है PSLV C-51। इसके बाद ये 4 महीने का सफर पूरा करते हुए L1 पॉइंट पर पहुंचेगा। अब इसका मकसद क्या है? आदित्य L1 का मकसद है सूर्य के आसपास के वायुमंडल का अध्ययन करना, क्रोमोस्फेरिक और कोरोनल हीटिंग की स्टडी करना और सौर कोरोना की भौतिकी और इसका तापमान को मापना। इस पर हम डिटेल में एक वीडियो देख चुके हैं जिसमें पूरा डिस्कस किया गया आदित्य L1 के बारे में, तो आप वो वीडियो डिटेल में देख सकते हैं। इधर शॉर्ट में ही मैंने बताया है, इन शॉर्ट में ही। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, राष्ट्रीय खेल दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 29 अगस्त को। इसका भी एक सेपरेट वीडियो डला हुआ है मेरे यूट्यूब चैनल पर, तो आप उसमें देख सकते हैं। लेकिन हम इसका थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं। राष्ट्रीय खेल मिशन प्रतिवर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का कारण यह है कि इस दिन भारत के दिग्गज हॉकी प्लेयर मेजर ध्यानचंद जी का जन्म हुआ था। ये जो है ये मेजर ध्यानचंद जी हैं और मेजर ध्यानचंद जी को हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है, इन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा, हाल ही में कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर रवि कन्नन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किया गया रैमन मैक्स से पुरस्कार। कैंसर पीड़ित मरीजों के जीवन को बेहतर बनाने में आगे आने वाले असम के प्रख्यात
ये असम के हैं। असम के प्रख्यात कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रवि कन्नन को वर्ष 2023 के लिए रैमन मैग्सेसे अवार्ड के लिए चुना गया है और उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मान किया जा चुका है। इनमें से रैमन जो रवि कन्नन है वो ये हैं, और ये अन्य व्यक्ति हैं जिन्हें रैमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है। हमारे देश से रवि कन्नन को ये अवार्ड दिया गया है। कन्नन को रैमन मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन ने हीरो फॉर हॉलिस्टिक हेल्थ केयर कैटेगरी के लिए चुना है। इस अवार्ड को एशिया के नोबल पुरस्कार के रूप में देखा जाता है। ये जो रैमन मैग्सेसे पुरस्कार है इसे एशिया का नोबल पुरस्कार कहा जाता है। बताते चलें कि नॉर्थ ईस्ट भारत में कैंसर रोगियों और उससे होने वाली मृत्यु दर सबसे ज्यादा है। मरीजों के परिवार की भावनाओं और आर्थिक हालातों को मद्देनजर डॉक्टर कन्नन को कई कठिन चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा है। उत्तर पूर्वी राज्यों में कैंसर के इलाज के क्षेत्र में एक नई क्रांति लाने का काम डॉक्टर कन्नन ने किया है। अब हम जाने ये रैमन मैग्सेसे अवार्ड क्या होता है, इसकी स्थापना कब हुई थी और ये किन्हें दिया जाता है। ये जो रैमन मैग्सेसे अवार्ड है इसकी स्थापना हुई थी सन 1957 में फिलीपींस सरकार के द्वारा। ये दिया जाता है 1957 में फिलीपींस के सातवें राष्ट्रपति, फिलीपींस के जो सातवें राष्ट्रपति थे उनका नाम था रैमन मैग्सेसे, उनकी याद में ये दिया जाता है ताकि सरकार चलाने में या सामाजिक सुधारों के क्षेत्र में जो भी अच्छा काम करे एशिया में चल रहा है उससे ये उन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया जाता है हर बार। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन बन गए। तो बने नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा, भारत के स्टार एथलीट नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर जैवलिन थ्रो में इतिहास रच दिया है। नीरज चोपड़ा विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप को 40 साल के इतिहास में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। उन्होंने पुरुषों की जैवलिन थ्रो में 88.17 मीटर के थ्रो के साथ यह उपलब्धि हासिल की है। गौरतलब है कि नीरज चोपड़ा ने फाइनल में प्रवेश कर पेरिस ओलंपिक्स 2024 के लिए पहले ही क्वालिफाई कर लिया था। अभिनव बिंद्रा के बाद नीरज चोपड़ा दूसरे भारतीय बन गए हैं जिन्होंने एक ही समय पर ओलंपिक और विश्व चैंपियनशिप जीता है। अभिनव बिंद्रा ने 23 वर्ष की उम्र में विश्व चैंपियनशिप और 25 वर्ष की उम्र में ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता था। नीरज चोपड़ा ने अभी तक टोक्यो ओलंपिक्स 2021, एशियाई खेल 2018, राष्ट्रमंडल खेल 2018 में स्वर्ण के अलावा चार डायमंड लीग खिताब और पिछले साल डायमंड लीग चैंपियनशिप ट्रॉफी भी जीती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि चांद पर जहां चंद्रयान तीन उतरा है उसका क्या नाम दिया गया, और जहां चंद्रयान टू के पदचिन्ह पड़े हैं उस जगह को क्या नाम दिया गया है। तो जहां पर चंद्रयान तीन उतरा है उसको शिव शक्ति का नाम दिया, और जहां पर चंद्रयान तीन के पदचिन्ह उस जगह पर पड़े हैं उसको नाम दिया गया है तिरंगा पॉइंट। सॉरी, इधर दो ही है, जहां चंद्रयान तीन उतरा है उसको शिव शक्ति, और जहां चंद्रयान दो के पदचिन्ह थे उधर उसको तिरंगा पॉइंट नाम दिया गया है। जिस स्थान पर चंद्रयान तीन का मून लैंडर उतरा है अब उस पॉइंट को शिव शक्ति, ये है उसे शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि चंद्रमा के जिस स्थान पर चंद्रयान दो अपने पदचिन्ह छोड़े हैं वह पॉइंट अब तिरंगा पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। इसके साथ ही एक और अहम ऐलान करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि 23 अगस्त को जब भारत ने चंद्रमा पर तिरंगा फहराया उस दिन को अब नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया जाएगा, यानी कि अब हर साल 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया जाएगा। ये था इस हफ्ते का करंट अफेयर जो हमने इन डिटेल में देखा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।